मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं उत्तर भारत से। और आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी भारत सब इलाकों में जो तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। लू का प्रकोप कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और कई लोगों की बदकिस्मती से जान भी गई है। महाराष्ट्र में ही आपने देखा होगा कि 11 लोगों की जान गई थी। और कई इलाकों में जो इस समय जो हीट स्ट्रेस है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि जो खेत में काम कर रहे हैं लोग और जो डेली वेज वाले जो वर्कर हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक मौसम बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज का असर अब दिखाई देने लगा है। और जो गर्मी हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि गर्मी पहले भी नहीं होती थी, गर्मी हमेशा होती थी, लेकिन जो इरेटिक वेदर यानी कि अनप्रिडिक्टेबल जो वेदर आप देख रहे हैं वो नहीं होता था। मार्च के महीने में इतनी तेज बारिश नहीं होती थी और सबसे बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा ओले कभी नहीं गिरते थे पहले, जो इस बार मार्च के महीने में हमने देखा कि हरियाणा के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो कई इलाकों में बहुत भारी ओलावृष्टि हुई थी। गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ओले गिरे थे। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ रही हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर तक जो एटमॉस्फेयर है, जो परत बनी हुई है जिसमें गैसेस हैं, ये क्या है, एक कम्बल की तरह, ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी, अगर ये नहीं होता तो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता, हम जम करके, यानी कि पूरा जो प्राणी है यानी कि जीव जंतु से लेकर के इंसान जम करके ठंड के मारे मर जाते। लेकिन ये जो ब्लैंकेट है यानी कि एक जो परत है एटमॉस्फेयर की, ये इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये सन के इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करती हैं, इसको अपने अंदर रखती हैं, जिससे कि पृथ्वी का वातावरण थोड़ा सा गर्म रहता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है लगभग 16 डिग्री जो एवरेज टेम्परेचर पूरे विश्व का है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन अब हम ज़्यादा कर रहे हैं, एसी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं यानी कि आग ज़्यादा जला रहे हैं, और जो ग्रीन जो फ्यूल है उसको कम यूज़ कर रहे हैं, कम्बस्टन ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ है और जो व्हीकुलर ट्रैफिक है, जो धुआं है, ये सारे इलाके, ये सारी गैसेस जब इकट्ठी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाती है इसमें, तो क्या होता है कि ये जो कंबल है और ज़्यादा मोटा होता जा रहा है, यानी परत और ज़्यादा भारी होती जा रही है। अगर आप कहीं सो रहे हैं ठंड में और आपके ऊपर कंबल डाल दिया जाए आपको कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन एक के बाद एक कंबल अगर डालते जाएं तो आपको गर्मी लगने लग जाएगी। तो उसी तरह का जो वातावरण बना हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेस हम बढ़ाते जा रहे हैं और एयर में, हवा में जो गर्मी को यानी सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, इसलिए ग्लोबल तापमान बढ़ रहा है। इसका असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जब बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश होती है, सूखा होता है तो कई इलाकों में सूखा रहता है, और गर्मी होती है तो चरम पर गर्मी हो जाती है। तो ये सारे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम करके ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है उसको हम ज़्यादा यूज़ करें। तो पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, पहाड़ों पर है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये आज 20 तारीख है, 21 तारीख तक रहेगा, 22 तारीख को इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन इस दौरान कई इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल होगा, काफ़ी दिनों के बाद स्नोफॉल होगा और मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हो सकती है, यानी कि जो अभी जो एकदम सूखा मौसम था उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब पर है और वहाँ से आप देखिए कि एक ट्रफ रेखा पाकिस्तान से लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश तक आ रही है हरियाणा होते हुए, तो जो पंजाब प्रांत है यहाँ पर भी पाकिस्तान में बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, और उसी तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के वहाँ पर भी बारिश हुई है, लेकिन ये दो दिनों के बाद बारिश रुक जाएगी। पंजाब में आज और कल बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेगी, गरज चमक के साथ बौछारें रहेंगी, लगातार बारिश नहीं होगी, पासिंग रेन ज़्यादा होगी। उसी तरह से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली NCR के साथ साथ जो नजीबाबाद है और मुजफ्फरनगर है और रुड़की है और उसके आसपास सहारनपुर वगैरह, इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। चुरू बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे इलाके भी गरज चमक के साथ बौछारें देख सकते हैं और हो सकता है कि ये सवाई माधोपुर और जयपुर तक भी कुछ बादल घने आ जाएं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। आंधी चल सकती है इस इलाके में,
लेकिन जो पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान है इस इलाके में बादल ही छाएंगे और हल्की फुल्की आंधी आएगी। बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। वही हाल गुजरात का होने वाला है। गुजरात में गर्मी बरकरार रहेगी और बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। और जो हमने देखा था कि नर्मदा वगैरह जो दक्षिणी गुजरात है वो दो दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी, ओले गिरे थे, लेकिन अब मौसम लगभग साफ हो चुका है। बादल की गरज चमक अभी भी हो सकती है। और ये जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं यहाँ पर मौसम ऐसा है कि बादल की गरज चमक कई इलाकों में यानी मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है, हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हर जगह पर नहीं होगी। ग्वालियर संभाग में भी 21 या 22 तारीख के आसपास कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ यानी कि अब उत्तर प्रदेश में ही आगे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 और 22 तारीख को कुछ मौसमी गतिविधि 21 तारीख को खास करके अब जो मेघ गर्जना वगैरह और हल्की बौछारें देखने को मिलेगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार का जो मौसम है वो गर्म और शुष्क बना रहेगा। और अगर देखें हम झारखंड में तो झारखंड में 21 तारीख को कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, 22 तारीख को भी रहेगी, 21 और 22 तारीख को यानी कि 24 घंटे के बाद यहाँ पर बादलों की गरज चमक हो सकती है। रांची, जमशेदपुर और चाईबासा ये जो इलाके हैं, खूंटी, धनबाद, पाकुड़, ये सारे इलाके, इन सारे इलाकों में कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियाँ होंगी। और जो छत्तीसगढ़ के कई इलाके खास करके रायगढ़, रायपुर से लेकर के और जो दक्षिण के इलाके हैं जगदलपुर तक, यहाँ पर बादलों की गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र इस इलाके में 24 घंटे के दौरान बारिश की संभावना कई इलाकों में है, लेकिन उसके बाद 21 और 22 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ केवल विदर्भ के इलाके में रह जाएंगी। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां 22 तारीख से बढ़ेंगी। और अगर और पूर्व की तरफ चलते हैं तो उड़ीसा, गंगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के दक्षिणी भागों में भी 22-23 तारीख को बौछारें पड़ सकती हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के कुछ भागों में इन सारे इलाकों में तेज बारिश है जो अगले 4-5 दिनों तक जारी रह सकती है। लेकिन जो मिजोरम और त्रिपुरा जो इलाका है और जो बांग्लादेश है यहाँ पर ज़्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर और दक्षिण की तरफ चलते हैं तो 22-23 तारीख से हमें उम्मीद है कि तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका के साथ साथ केरल, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ने वाली हैं और जो बारिश होगी वो कई इलाकों में होगी। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अब 21 तारीख से लेकर के 24-25 तारीख तक बारिश होगी। और जो गजपति, गंजम, कोरापुट, रायगढ़ ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश होगी। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों और जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी 23-24 तारीख को तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये जो मौसमी गतिविधियां हैं वो एक तरह से ये सारे इलाकों में रहेंगी। अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो ये पूरा इलाका है जो बारिश देख सकता है, ये सारा इलाका यानी कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, विदर्भ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दो दिनों के बाद बढ़ने वाली हैं। और जो केरल वगैरह में हल्की बारिश लगी, कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश लगी, कोस्टल तमिलनाडु, चेन्नई, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर ये इलाके भी बारिश नहीं देखेंगे, गर्म मौसम रहेगा, बादल वगैरह यहाँ पर छा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट है लगातार अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।